हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएस 2023 में होने वाली 14 मई को पीटी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला दे रखा है 17 मार्च 2023 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश का हरदोई जनपद शामिल है। PM मित्र के तहत बनने वाले इस पार्क का नाम होगा संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया, जिसे नाम दिया गया है शास्त्रार्थ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है 11 मार्च 2023 को। 24 से 26 फरवरी 2023 तक दूसरे इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन BHU ट्रॉमा सेंटर बनारस में किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनेगा नया विधान भवन, जिसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा मेरठ और लखनऊ में। इसके बाद अगला है, 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है नोएडा में। केंद्र सरकार को मिनी रत्न कंपनी सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक 700 मेगावाट सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वह है आपका कानपुर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांवों को शामिल किया गया है यीडा या यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में। उत्तर प्रदेश में 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है, और इधर पहले की बात करते हैं तो वह है आपका बिहार। प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को इस विभाग ने हर घर जल 75 लाख नल समारोह के रूप में उत्साह के साथ मनाया है। वो विभाग है आपका नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अनुसार 8 सालों में 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य के इन जनपदों के कुछ हिस्से को शामिल करके SCR यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया गया है। इसके बाद अगले पर चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दी है, वो है आपके BHU ट्रोमा सेंटर बनारस में। 5 जनवरी 2023 को दाक्षायणी पांडे, जो 17 साल की हैं, जिनका चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर कैलिफोर्निया USA के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। ये मऊ जनपद की निवासी हैं। बनारस के रमना में कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहले प्लांट का सफल परीक्षण अक्टूबर 2022 में हो चुका है। इसका निर्माण किया जा रहा है NTPC के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से 100% हाजिर लगाने की व्यवस्था कर रहा है ग्रामीण विकास विभाग। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9495 करोड़ से अधिक की धनराशि मनरेगा में व्यय कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मानव दिवस सृजन में और 100 दिन का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के बनारस कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक के सफ़र के लिए रोपवे की सुविधा विकसित करने के लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है, और ये बनाया जाएगा आपके बनारस में। 1 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय CBSE एथलीट मीट का उद्घाटन किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल बनारस में।
30 जनवरी 2023 को प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन किया गया है आपके लखनऊ में। साल 2023 के गणतंत्र दिवस के पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की झांकी को। झांकी के इस विषय की महत्ता को प्रदर्शित की गई है। कहने का मतलब ये है कि झांकी का विषय क्या था, वो है आपका विश्व गुरु भारत, कोरोना महामारी में योग एवं आयुर्वेद। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने इस औद्योगिक क्षेत्र में नवनिर्मित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रदेश में इस बैंक की पहली मोबाइल बैंक ऑन व्हील को फ्लैग ऑफ कर जनता को समर्पित किया है। ये बैंक है आपका फेडरल बैंक। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने उत्तर प्रदेश टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा अरैल में संगम किनारे सोमेश्वरनाथ मंदिर के सामने बनाए गए अत्याधुनिक टेंट सिटी का उद्घाटन किया है और ये स्थित है आपके प्रयागराज में। वाल्मीकि आश्रम में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा का निर्माण कराया गया है लालापुर चित्रकूट में। अगला है 27 दिसंबर 2022 को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष और इस विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षरित हुआ है और ये विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर 1438 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तृत ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाने जा रही है। ये बनाई जाएगी अयोध्या में। 11 से 13 जनवरी 2023 को आयोजित गोरखपुर महोत्सव का थीम पहली बार आधारित था इको टूरिज्म पर। 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधा शुरू की है, जिससे मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले मरीजों को मोबाइल पर ही अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ये योजना है ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। 23 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्थान में आयोजित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में यातायात विस्तार पर ट्रेड मीट में सूचना दी कि देश के सबसे लंबे जलमार्ग बनारस से डिब्रूगढ़ तक जनवरी 2023 से मालवाहक जहाज़ों के संचालन को प्रारंभ किया जाएगा। ये है आपका बनारस में। बनारस गाजीपुर मझुआ बाढ़ जलमार्ग को पटना फरक्का जलमार्ग की तर्ज पर तैयार किया जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। सानिया मिर्जा ने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की है और उन्होंने फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये निवासी हैं आपके मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के। देखिए, कहीं पर भी पहला और महिला आता है तो उसे स्पेशली फोकस करके याद रखिएगा। अगला है 22 दिसंबर 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को NABL की आधिकारिक मान्यता मिल गई है। ये संस्थान स्थित है झांसी में। 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया और ये संस्थान स्थित है आपके गाजियाबाद में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल होगा और ये एम्स की तर्ज पर बन रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाई गई है और उसका नाम दिया गया है पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। इसे नाम दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत 6 जिलों में PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए टेंडर जारी किया गया है। ये जिले हैं आपके महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज। इसके बाद अगला है गुजरात के बड़ोदरा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य के 10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये जनपद स्थित है महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट। इसके बाद अगला दे रखा है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में साल 2023 में G20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों की मेजबानी की जानी है। ये शहर हैं आपके बनारस, नोएडा, आगरा और लखनऊ। 4 दिसंबर 2022 को रेड टेप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले चर्म निर्यातक और मिर्ज़ा
इंटरनेशनल के चेयरमैन का निधन हुआ है, जिनका नाम है पद्मश्री इरशाद मिर्ज़ा। इस योजना के दूसरे चरण में लखनऊ के आलमबाग भवन समेत पोतरा कुंड मथुरा, कल्पा देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या, लक्ष्मी मंदिर झांसी, टहरौली किला झांसी, बाला बेहट किला ललितपुर, दिगारा गढ़ी झांसी तथा शिव मंदिर टिकतरैया टेकैत राय बिठूर कानपुर को शामिल किया गया है। ये योजना है आपके एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक के छात्रों ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। यह संस्थान स्थित है आपके प्रयागराज में। इस विश्वविद्यालय के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोरेटियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ब्यू नाउ इन्फोटेक कंपनी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 750 डाटा सेंटर स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर चालू किया गया है मोरटा गाजियाबाद में। घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा कतरनिया घाट वन्यजीव विभाग में प्रभाग में। अगला है, नवंबर 2022 में उमा सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये साइकिल इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं। ये निवासी हैं आपके गोरखपुर के। अगला है, लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया। यह मशीन रक्त संबंधी संक्रमण जैसे सेप्सिस के बचाव में सहायक है। ये उद्घाटन किया है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 27 अक्टूबर 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र का अव्वल स्थान रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में 1.5 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करके उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित 6 दिवसीय GI महोत्सव का शुभारम्भ किया है दीनदयाल हस्तकला संकुल बनारस में। 13 अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की जारी हुई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है अचीवर्स की श्रेणी। इसके बाद अगला है, 12 अक्टूबर 2022 को मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर समारोह में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। 10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के 20 साल के जागृति यादव एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी थी। ये निवासी हैं आपके लखनऊ की। अगला है आपका, 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ है आपके लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। 1 जिला एक उत्पाद के तर्ज पर के अंतर्गत कन्नौज के इत्र को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023 में पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी की गई है, लखनऊ में की गई है। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र दिबियापुर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र से व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। ये स्थित है आपके औरैया में। एनटीपीसी ने औरैया में गैस और नेपथा से चलने वाले 664 मेगावाट का बिजली उत्पादन संयंत्र भी लगाया है। इस प्रकार एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट की हो गई है। 17 सितंबर 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाउंड्री नगर स्थित पीपीडीसी में प्रस्तावित प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअली शिलान्यास किया है और ये स्थित है आगरा के ताज नगरी में। आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल के 3 जनपदों में नंदी अभयारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है। ये जनपद है संभल, अमरोहा और बिजनौर।
14 सितंबर 2022 को प्रदेश सरकार ने नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने का फैसला लिया है कुशीनगर में। सितंबर 2022 में कानपुर विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के जेवर में जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। ये हुआ है आपके नवाबगंज उन्नाव जनपद में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार के लिए यह मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। ये मिशन है मिशन निरामाया। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के इन जनपदों में मेट्रो चलाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। ये जनपद है मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज। अगला है, नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना की तर्ज पर सेक्टर 54 के इपिंग ग्राउंड में समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जाने का कार्य किया जा रहा है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। रोबोट के माध्यम से बच्चों के ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बना है PGI लखनऊ। 23 फरवरी 2022 को संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के मतदान में देश का पहला ग्रीन बूथ बना है APSEN PG कॉलेज लखनऊ। हाल ही में पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का काम प्रारंभ किया गया है। ये स्थित है अयोध्या में। 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया रणधीर जायसवाल ने इस परफ्यूम का अनावरण किया। विकास खन्ना बाग जिघराना। 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का में पहला पुरस्कार प्रदान किया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में रेलवे द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किए जा चुके कर्जन ब्रिज को धरोहर के रूप में पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। ये स्थित है आपके प्रयागराज में। प्रयागराज में अयोध्या व लखनऊ रेल मार्ग पर गंगा नदी पर बने कर्जन ब्रिज की आयु 117 साल की है। रेल यातायात के लिए यह पुल 15 जून 1905 को खोला गया था। इससे सड़क यातायात 20 दिसंबर 1905 में शुरू की गई। इस पुल से सड़क और रेल यातायात बंद कर दिया गया था 1998 में। 4 अप्रैल 2022 को योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों में महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान को प्रारंभ किया है। ये स्थित है श्रावस्ती में। इस अभियान के तहत कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें शामिल हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। अगला है, IIT BHU कानपुर और रुड़की के तकनीकी सहयोग लेकर उत्तर प्रदेश की नदियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इनमें 60 नदियों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन को स्थापित किया जाने का निर्णय लिया है अयोध्या में। अयोध्या में 6ठी बटालियन या 6ठी वाहिनी का गठन इसके तहत किया जाएगा, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 से संबंधित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है अचीवर्स श्रेणी में। अप्रैल 2022 में गुजरात के सूरत में भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में वितरण समारोह में 4 अलग अलग श्रेणियों से सम्मानित किया गया बनारस स्मार्ट सिटी को। 19 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है लखनऊ में। 3 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है लखनऊ में। अगला है आपका, इस कॉन्क्लेव की थीम है 3R, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। 5 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्राप्त हुआ है 2रा स्थान।
इस सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के सिगरा में स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त इस परियोजना के तहत सारनाथ बौद्ध सर्किट के विकास कार्य सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यह है आपका उत्तर प्रदेश गरीब समर्थक पर्यटन विभाग विकास परियोजना। एफिल टावर की तर्ज पर गंगा किनारे निर्माणाधीन 6 लेन पुल के टावर पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी प्रयागराज में। यह देश की एकमात्र ऐसी रिवर गैलरी होगी जहां कुंभ और प्रयागराज की संस्कृति की छटा पर्यटक सीधे देख सकेंगे। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के इन स्थानों तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह है गाजियाबाद से कानपुर। इस कॉरिडोर में 380 किलोमीटर लंबा होगा और बनकर तैयार हो जाएगा 2025 तक। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के 120 डिग्री कॉलेजों को शुरू करेगी ई लर्निंग पार्क। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कितने इंडस्ट्रियल पार्क बनने की योजना है? 15 शहरों में है। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने का के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय को। इसके बाद 17 मई 2022 को बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए 5 साल की कार्य योजना या रोड मैप निर्धारित किया गया है और निर्धारित समय सीमा के भीतर 17 क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने के निर्देश दिए गए हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। बनारस स्थित इस घाट पर देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा खिड़किया नमो घाट पर। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर होगा जो पूरी दुनिया से कार्बन व धूलकणों से मुक्त होगा, काशी विश्वनाथ धाम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के PCS अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए स्पैरो UP पोर्टल का निर्माण किया है। 1 जून 2022 को देश में 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का राज्य बना है पहला उत्तर प्रदेश। 27 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम नियति प्रोत्साहन विभाग ने इस ऐप के साथ एक MOU किया है जिसके तहत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में अब पूरी जानकारी 10 भारतीय भाषाओं में मिलेगी, जिसे कहा गया है माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू। अगला है 29 जुलाई 2022 को एक भारत श्रेष्ठ भारत और संस्कृति आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग और इसके मध्य करार MOU किया गया है। यह है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। 31 मई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाएगा। पिछले 2 सालों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। 10 जुलाई 2022 को लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया है आपकी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिमिसिया की एक नई प्रजाति CIS संजीवनी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नई नीति का मसौदा केंद्र सरकार को भेजा है। यह है आपका मलेरिया रोधी पौधे। उत्तर प्रदेश में मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। आर्टिमिसिया पौधे में यह तत्व पाया जाता है जिसे मलेरिया की दवा तैयार की जाती है, जिसे कहते हैं आर्सेनिन। आर्टिमिसिन मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु को खत्म कर देता है जो हैं आपके प्लास्मोडियम फल्सीपैरस। उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से अपैरल पार्क स्थापित किया जाएगा नोएडा में। डिफेंस कॉरिडोर के तहत कानपुर में 1500 करोड़ रुपए के निवेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत आयुष कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा अडानी समूह के द्वारा। हीरा नंदानी समूह द्वारा योटा डाटा सेंटर बनाया है नोएडा में। एयर लिक्विड मथुरा के कोसी क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए से के निवेश से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा। आगरा कैंट स्टेशन को प्राप्त हुआ है ग्रीन रेटिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका में सुधार के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनरेगा योजनाओं के तहत इस तकनीक पर आधारित
150 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये तकनीक है आपकी इजरायली तकनीक। देश में पहली बार बायो स्रोत गन्ने को खोई की राख में नैनो सिलिका की खोज की गई है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के द्वारा। 25 जून 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले लगभग 2.5 करोड़ लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे 2 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, अगला है 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी एवं और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नया मंच शुरू किया है। इसे कहा गया है ई पेंशन पोर्टल। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा जयघोष। उत्तर प्रदेश का सिल्केक्सचेंज स्थापित किया जाएगा बनारस में। अगला है हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान समिति की बैठक में उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिए बाड़ा और स्टाफ चाइल्ड एनिमल म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है। ये स्थित है आपके गोरखपुर में। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जांच के लिए देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4 नए विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। ये विश्वविद्यालय हैं आपके वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहाँपुर, TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर। इसके बाद अगला देखते हैं, जून 2022 में प्रदेश सरकार ने राज्य में इस फिल्म को कर से छूट देने की घोषणा की थी सम्राट पृथ्वीराज को। 4 जुलाई 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है लीडर्स श्रेणी में। थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बना है आपके बलरामपुर जनपद में। अप्रैल 2023 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, बनारस, नोएडा में किया जाना है। इन खेलों में रोइंग, बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, स्विमिंग, बॉक्सिंग सहित 20 खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। नोएडा में कबड्डी, जूडो, आर्चरी और फेंसिंग का आयोजन होगा। गोरखपुर में रोइंग और बनारस में रेसलिंग, मलखम्ब तथा योगा से संबंधित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जाएगा। अन्य सभी प्रतियोगिताओं में लखनऊ में आयोजित होंगी। 9 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने हेतु गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है। निकाय चुनाव हेतु नगर निगम नगर विकास विभाग द्वारा जारी आरक्षण सूची पर आपत्ति जताते हुए लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर की और इस आधार पर उच्च न्यायालय ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। ध्यातव्य है कि प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। अब है आपका उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। तो देखिए 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया। इस समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवं समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस समिट में 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को प्राप्त होने के साथ कुल 19,058 MOU हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा और MOU के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाले एक स्टेडियम को बनाने के लिए सरकार के साथ MOU किया। समिट के अंतिम दिन यूनाइटेड किंगडम पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा प्रौद्योगिकी तथा रक्षा क्षेत्र में
रक्षा क्षेत्र में 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है। समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश के अध्यात्म और इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सिंगापुर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर या वैश्विक भागीदार बना है। क्या है उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023? यह समिट भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को अगले 5 सालों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करेगा। साझेदारी देश हैं इसमें इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात साझेदार देश थे। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश ने फरवरी 2018 में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था? ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी हेरिटेज होटल। तो फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने को मंजूरी दी है। इन इमारतों में शामिल है लखनऊ की 76 मंजिल रोशन उदौला कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहत बक्स। 76 मंजिल भवन का निर्माण नवाब शहादत अली खान ने 1798 से 1814 के बीच अपनी माता 76 कुंवर के नाम पर करवाया था। 76 मंजिल भवन 76 मंजिल का भवन इंडो इटालियन स्थापत्य कला से बना हुआ है। इसके बाद है गुलिस्तान ए इरम का निर्माण 19वीं शताब्दी में अवध के दूसरे नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने कराया था। नसीरुद्दीन का निजी पुस्तकालय था यह। कोठी दर्शन विलास भवन में अब स्वास्थ्य निदेशालय स्थित है। रोशन उदौला कोठी का निर्माण अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में प्रधानमंत्री रोशन उदौला ने कराया था। फरहत बख्श कोठी का मूल नाम मार्टिन विला था, जिसका निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने कराया था। इसके बाद नेक्स्ट है 4 जनपदों में गोंड अनुसूचित जनजाति। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2022 की अधिसूचना के अंतर्गत संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2022 की संख्या 20 के प्रावधानों के अनुसार संत कबीर नगर, कुशीनगर, चलौली, भदोही या संत रविदास नगर में रह रहे गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से हटाकर इन जनपदों में रह रहे गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड समुदायों को उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर दिया गया है, जिसके आधार पर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के साथ अब 4 और जनपद संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली व भदोही में निवास करने वाली इन जातियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अगला है सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री। 1 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। योगी आदित्यनाथ ने कार्यालय में 5 साल और 347 दिन पूरे किए हैं, जिसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद को पीछे छोड़ दिया है, जो 1954 से 1960 तक 5 साल और 345 दिनों तक पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश को मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, महुआ आदि की खेती, प्रसंस्करण व उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार या रिसाइकल कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह नवीन योजना 2022-23 1 जनवरी 2023 से साल 2026-27 तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देते हुए क्षेत्राच्छादन, उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में वृद्धि करना और मूल्य संवर्धन का विपणन के माध्यम से जन सामान्य के आहार में मिलेट्स के उपभोग से को बढ़ावा देकर संतुलित आहार की तरफ प्रेरित करना है।
इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में किया जाएगा। इसके अलावा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भी मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में मिलेट्स के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, कोदो एवं सावा की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके बाद अगला है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जनपद में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ का प्रथम चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था और दूसरा जो है वो 18 से 28 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। इस सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जनपद के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 में किया जा रहा है। मेरठ खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जा रहा है, याद रखिएगा। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2023 तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश ने कुल 2 विधाओं लोकगीत और लोक नृत्य में प्रतिभाग लिया। लोकगीत में महोबा जनपद के 9 कलाकारों की टीम ने राष्ट्रीय युवा उत्सव में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थानीय स्वर्ण पदक दिलाया। पनियाला का GI टैग। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के हाई पावर कमेटी ने जिन 21 कृषि उत्पादों को GI टैग के लिए अनुमति दी है उनमें पनियाला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में पनियाला मुख्यतः गोरखपुर के लच्छीपुर और आसपास के गांवों में पैदा होता है। इसके बाद है MV गंगा विलास। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बनारस में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को रवाना किया गया। MV गंगा विलास बनारस से अपनी यात्रा प्रारंभ कर 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा कर असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इस दौरान यह भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते जाएगा। प्रधानमंत्री ने बनारस में गंगा नदी के तट पर बने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने गाजीपुर के सैदपुर, चोचकपुर, जमानिया और बलिया के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है आपका नैनो खाद प्लांट। दिसंबर 2022 को प्रयागराज के फूलपुर में देश के तीसरे नैनो खाद प्लांट का उद्घाटन किया गया या उत्पादन प्रारंभ किया गया। इफ़्को की देश में पहली नैनो खाद इकाई गुजरात में स्थित कलोल में लगी थी जिसका शुभारंभ मोदी ने किया था। दूसरा संयंत्र नैनो यूरिया प्लांट आंवला बरेली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है विश्व डेयरी सम्मेलन 2022। 12 से 15 सितंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह सम्मेलन इससे पहले भारत में 1974 में आयोजित किया गया था। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश को देश का शीर्ष दूध उत्पादक राज्य भी है। इसके बाद है राज्य सरकार अगले 5 साल के दौरान नंद बाबा दूध मिशन के तहत राज्य में निवेश करेगी। अगला है उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य ने देश के कुल बाजरा उत्पादन का 19.59% बाजरा उत्पादित किया है। संयुक्त राष्ट्र या UN ने भारत में प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य परिवर्तन आयोग। 27 दिसंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया, उसका नाम बदल के रखा गया है राज्य परिवर्तन आयोग। राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। एसटीसी के उपाध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक होंगे। इनके सदस्यों में वित्त मंत्री, दोनों डिप्टी CM, कृषि मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज विकास मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, जल शक्ति मंत्री और शहरी विकास मंत्री शामिल होंगे।
अन्य सदस्य मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और योजना सहित विभिन्न विभागों के सचिव होंगे। आयोग में गैर सरकारी सदस्य भी होंगे जो सामाजिक क्षेत्र की, कृषि और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होंगे। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 में हुई थी और इसने राज्य सरकार को आवश्यकता आधारित क्षेत्रों की पहचान करके नीतियां बनाने में सहायता दी थी। इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के वन अभ्यारण्य के बाहर अनुमेय क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं के विकास एवं प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन को मंजूरी दी गई है। इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। यह बोर्ड 10 विभागों, पर्यटन, वन, आयुष, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास, कृषि, बागवानी, खेल और परिवहन को शामिल करेंगे। बोर्ड की संरचना में इको टूरिज्म विकास बोर्ड इको टूरिज्म कार्यकारी समिति होगी। इसके बाद अगला है आपका, कार्यकारी समिति पर्यावरण, पर्यटन, विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु जिम्मेदार होगी। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का 4वां टाइगर रिजर्व। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का 4वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला बाघ अभयारण्य है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 529.89 वर्ग किलोमीटर विस्तृत होगा, जिसमें 299.58 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र होगा। ज्ञातव्य है कि रानीपुर में बाघ मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आते जाते रहेंगे। क्या आप जानते हैं, भारत में अप्रैल 1973 में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था। वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। तराई हाथी रिजर्व, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी दी है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर पर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व के आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजाति, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अलावा हाथी रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन प्रभाग के हिस्से शामिल होंगे। इसके बाद अगला है, नॉलेज स्मार्ट सिटी। 18 दिसंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए 35 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सलोनी हार्ट फाउंडेशन ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कौशल समझौता ज्ञापन। फरवरी 2023 में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन के लिए राज्य सरकार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं TTL के मध्य एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला है, पूर्वांचल रीजनल फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पहल पर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, साथ ही अब गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। मुंबई के व्यवसायी अतुल गर्ग ने रीजनल फिल्म सिटी के लिए प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है और उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। भारत का पहला अमृत सरोवर 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। ये रामपुर के पटवाई में किया गया है।
उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज। केंद्र सरकार ने बायोबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत प्रदेश के 6 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है। 1 जुलाई एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज जनपद में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। उत्तर प्रदेश में वृहद ऋण मेले का शुभारंभ। 30 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में वृहद ऋण मेले का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 5 जनपदों आगरा, अंबेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना एक जनपद एक उत्पाद योजना के हस्तशिल्पों, कारीगर, उद्यमियों और आधुनिक तकनीक से जुड़ने के अवसर मिलेगा। अगला है आपका संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान शुभारम्भ। 1 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। प्रमुख बिंदु है संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक और इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए घर घर दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलाया गया। वन महोत्सव अभियान 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम सहरिन गांव स्थित कोदंड वन क्षेत्र में हरे शंकरी के पौधे को रोककर वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर इन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती व बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद अगला है इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है। इसमें एक दिन में 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे रोपे गए और 15 अगस्त को 5 करोड़। अगला है आपका उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022। 14 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम लखनऊ के 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। इन्होंने कहा है कि लखनऊ, महिलाबाद, काकोरी फलपट्टी का आम देश और विदेश में काकोरी आम के नाम से भेजा जाएगा। इसी नाम से लखनऊ में आम की ब्रांडिंग की जाएगी। क्या आप जानते हैं 2005 में तत्कालीन सरकार द्वारा लखनऊ के आम की ब्रांडिंग नवाब आम के नाम से की जाती थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राज्य में ये चौथी एक्सप्रेस योजना है जो रिकॉर्ड 28 महीने में पूरी की गई। नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2020 को इस परियोजना की नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में 14,850 करोड़ रुपये की लागत से 296 किलोमीटर 4-लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोंडा गांव NH-35 से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है, जहां यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। यह 7 जिला चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 21 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के हित में कदम उठाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, सरकार ने यह व्यवस्था राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स और आश्रितों के लिए भी शुरू की गई है। इस योजना से राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों के अलावा उनके परिवार को आयुष्मान योजना के में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से राज्य कर्मचारी, पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों को सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पतालों एवं आयुष्मान भारत में पंजीकृत निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके बाद है एक तहसील एक उत्पाद योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक तहसील एक उत्पाद योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत तहसील स्तर पर प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को शुरू किया है। यह योजना नए नगरीय क्षेत्रों में सीवेज, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता, चौराहों का सुंदरीकरण, मार्ग प्रकाश, सामुदायिक केंद्र, सड़क निर्माण, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिए उपयोगी होगी। बुंदेलखंड में प्राचीन किलों का विकास। 23 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित 31 प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई का निर्देश दिया है। इन स्थलों में कलिंजर किला, तालबेहट किला और बरुआ सागर किला जैसे स्थल भी शामिल हैं। कलिंजर का किला बांदा जिले में अवस्थित है, जो कि कालिंजर अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था, जहां तोप के गोले शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ताल बेहट किला ललितपुर में है। इस किले का निर्माण 1618 में भरत शाह ने करवाया था। बरुआ सागर किला झांसी में है। इस किले का निर्माण 1605 से 1607 के मध्य ओरछा के बुंदेला राजा उदित सिंह ने कराया था। इस किले के निकट बरुआ सागर सरोवर भी है। इसके बाद अगला है संत कबीर अकेडमी और अनुसंधान केंद्र। 15 जून 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मैगहर में संत कबीर अकेडमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। क्या आप जानते हैं, स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 2014 और 2015 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके बाद अगला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-2022। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु 82 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा 54.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 8 पर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी में देखते हैं क्या आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2018-19 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना था। अगला है मालन नदी का पुनरुद्धार। 3 मई 2022 को बिजनौर में मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया है। मालन नदी प्राचीन काल में मालिनी कहा जाता था, जिसका उद्गम पौड़ी उत्तराखंड की चंडा पहाड़ियों से माना जाता है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करने के साथ के बाद यह नदी कुछ दूरी तय करने के बाद अंततः गंगा में मिल जाती है। फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की गई एक अभिनव पहल फूड फॉरेस्ट के अंतर्गत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों की पहचान की गई है। यहाँ खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना हेतु चयनित जनपद बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, रामपुर, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर होंगे। नेक्स्ट है नेवा सेवा केंद्र। 19 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। नेवा सेवा केंद्र में विधानसभा सदस्यों, विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को विधान संबंधित कार्यों पर उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं, नागालैंड विधानसभा नेवा लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा है। ठीक है, बटागुर कछुआ। 23 मई 2022 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर टर्टल सर्वाइवल अलायंस के प्रोजेक्ट ऑफिसर पवन पारीख ने बताया कि दुनिया में विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके बटागुर कछुआ की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। क्या आप जानते हैं, चंबल नदी में कछुआ की 8 प्रजातियां संरक्षित हैं, जिनमें से साल, दौर, सुंदरी, मोरपंखी, कठवा, भूतकाथा, पड़ाव शामिल है। ऑपरेशन कायाकल्प।
25 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य द्वारा संचालित स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ तकनीकी आधारित शिक्षा का प्रयोग किया जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन। 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन को 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। क्या आप जानते हैं सम्मेलन के 111 साल के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन हो चुका है। यह अंतिम बार अधिवेशन 1994 में किया गया था। अगला है पोलियो अभियान का शुरुआत। 20 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए पोलियो से बचने के लिए गोरखपुर में से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद और भारत में 2011 के बाद पोलियो का एक भी केस नहीं मिला था। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली है। योगी आदित्यनाथ पिछले 37 सालों में उत्तर प्रदेश में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्तारूढ़ होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। सतीश महाना। 29 मार्च 2022 को भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटम स्पीकर रमापति शास्त्री ने की थी। ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। पहले तो अध्यक्ष थे आपके सतीश महाना और जो प्रोटम स्पीकर थे वो आपके रमापति थे। पंडित हृदय नारायण दीक्षित को जगह लेने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के 23वें और व्यक्ति के रूप में 18वें अध्यक्ष हैं। सतीश महाना महाराजपुर कानपुर से लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। ये पहली बार 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। केसरीनाथ त्रिपाठी को सर्वाधिक 13 साल तक अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे थे। अगला है भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विथ फायर। 8 फरवरी 2022 को भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विथ फायर ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट हुई है। प्रमुख बिंदु राइटिंग विथ फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। ये डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुमित घोष ने किया है। खबर लहरिया भारत का एकमात्र अखबार था जिसे सिर्फ दलित महिलाएँ संचालित करती थी। लखपति महिला कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ और सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम को शुरू करने जा रही है जिसके जरिए शुरुआती 3 सालों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। राज्य में लखपति महिला कार्यक्रम के जरिए ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिसमें महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक पहुंचाई जा सके। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। लखपति महिला कार्यक्रम के पहले चरण में 11 जिलों की इसकी शुरुआत की जाएगी जिसमें बनारस और प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर, सोनभद्र शामिल होंगे। इन जिलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा। उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगला है आपका बखेरा वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखेरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिलाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखेरा वन्यजीव अभयारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों की सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थल प्रदान करता है। देश की पहली नाइट सफारी
16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। ये नाइट सफारी सिंगापुर की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जहां टाइगर, तेंदुआ, भालू के लिए अलग अलग सफारी बनाई जाएंगी। लखनऊ के ऐतिहासिक नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को वर्तमान जगह से हटाकर नाइट सफारी में शिफ्ट किया जाएगा। कुकरेल नदी को खूबसूरत रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। नाइट सफारी में ट्राय ट्रेन भी चलाई जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़ गाजियाबाद प्रदेश में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, आगरा, कानपुर का नंबर है। इसके बाद अगला है, देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ शामिल हैं। गाजियाबाद 12वें स्थान पर है और मेरठ 15वें स्थान पर है। इसके बाद है, 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में नोएडा देश में 5वें स्थान पर और प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी वाले शहरों में नोएडा, अलीगढ़, मथुरा के अलावा कोई भी शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। इसके बाद है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पहला स्थान मिला है। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में बनारस को दूसरा स्थान मिला है। बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को चुना गया है। अगला है टेक्सटाइल पार्क। पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत हरदोई और लखनऊ जनपद में 418.057 हेक्टेयर भूमि पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। टेक्सटाइल पार्क को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिस पर 1200 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान है। शिक्षित कृषि उद्यम स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में संचालित प्रशिक्षण कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को आने वाले 5 साल के लिए संचालित करने के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की है। किसानों के लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर कृषि सेक्टर में रोजगार सृजन बढ़ाने के उद्देश्य से 2015-16 में राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को क्रियान्वित किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन के आगामी चरण में अगले 5 सालों यानी कि 2022-23 से 2026-27 में कुल 10,000 एग्री जंक्शन केंद्रों को स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। एग्री जंक्शन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने जाने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला है, PLEDG यानी कि प्लेज निजी औद्योगिक पार्कों के विकसित करने की योजना। मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्कों के विकास योजना प्लेस प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एजेंसी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। योजना के अंतर्गत निजी प्रवक्ताओं द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव भूमि के स्वामित्व के कागजात और आकलन सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना में प्रचुर बढ़ोतरी किए जाने और मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों की स्थिति पर समग्र रूप से गुणात्मक विकास लाए जाने हेतु भारत सरकार ने 20 मई 2022 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की थी। प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाने और ग्रामीण अंचलों आवासीय स्थानीय मत्स्य पालकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में एक नई राज्य योजना को प्रस्तावित किया जा रहा है।
इस योजना का क्रियान्वयन दो उप योजनाओं कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट बी के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर लाभार्थी चयन एवं अनुमोदन योजना के पर्यवेक्षण व निगरानी हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 5 सालों 2022-23 से 26-27 के लिए संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना संचालित किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 साल के लिए कार्यान्वित की जाएगी। प्रदेश में 2,50,000 पावरलूम कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से 5,50,000 पावरलूम बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पावरलूम बुनकर को गैर पारंपरिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने, पर्यावरण की रक्षा और बुनकरों को वस्त्र उत्पादन में क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने हेतु अनुदानित दर पर यूपी नेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए संयंत्र दिए जाने का प्रस्ताव है। पावरलूम संचालन हेतु सौर ऊर्जा संबंधित सोलर प्लांट की स्थापना पावरलूम बुनकरों को अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और प्रदूषण नियंत्रण को में सहयोग करना है। योजना के संचालन से लगभग 50,000 बुनकरों को लाभ मिलेगा और लगभग 75,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था बनाया जाएगा। सामान्य पावरलूम बुनकरों हेतु सोलर प्लांट के कुल लागत का 50% अनुसूचित जाति और जनजाति 75% शासकीय अनुदान दे होगा, जबकि 50% अनुसूचित जाति जनजाति 25% धनराशि वहन लाभार्थी स्वयं करेंगे। इसके बाद अगला है अध्यादेश अधिनियम विधेयक नियमावली। उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन विचारणों का उपशमन अध्यादेश 2023। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन संशोधन अध्यादेश 2023 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन अधिनियम 1979 की धारा 9 के प्रभावी उपयोग के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2023 का प्रत्यापन किया जाना है। इसके बाद अगला है आपका उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धि पेंशन देखिए फिर से देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2023। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। इस विधेयक के अनुसार 16 सितंबर 2016 से पहले एवं बाद के दिवंगत भूतपूर्व सदस्यों को आश्रित पति या पत्नी को एक समान प्रति माह 25,000 रुपये की पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को दी मंजूरी। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जल शुल्क देना होगा। पहले जल शुल्क लखनऊ बनारस में से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब वहां के लोगों को भी इसका भुगतान करना होगा। मौजूदा निर्मित क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण करने पर भी जल शुल्क दे होगा। जल शुल्क की दरों को हर साल 1 अप्रैल से आयकर विभाग के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा। विकास प्राधिकरण योजना के बाहर या जहाँ पर जलापूर्ति कराने में असमर्थ होगा वहाँ जल शुल्क दे नहीं होगा। जल शुल्क 10 लाख रुपये तक होने पर एकमुश्त भुगतान करना होगा। इससे अधिक होने पर एकमुश्त और शेष 10 लाख रुपये का भुगतान एकमुश्त और शेष 4 अधिवार्षिक किश्तों में 9% ब्याज के साथ लिया जाएगा। अगला है पुलिस आयुक्त प्रणाली। मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद आगरा गाजियाबाद प्रयागराज को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अनुसार जनपद आगरा गाजियाबाद प्रयागराज में नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनमें पुलिस आयुक्त प्रणाली व्यवस्था को लागू किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और बनारस जनपदों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई अधिनियम 2020 17 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को CAA अर्थात नागरिक संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लेने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में की गई कार्यवाही न्यायालय और न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्रवाई खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई अधिनियम 2020 के तहत की गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा से CRPC संशोधन विधेयक पारित 23 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया। इसके तहत अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो के मामले में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है राजीव रघुवंशी। ये 2 फरवरी 2023 को बलिया के डॉक्टर राजीव रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। शगुन कुमारी। नवंबर 2022 में लॉन टेनिस में अपने बेहतर प्रदर्शन के कारण गोरखपुर की शगुन कुमारी अंडर 16 वर्ग सिंगल में देश में 5वें रैंक की खिलाड़ी बनकर चर्चा में आई हैं। इन्होंने एशिया में 11वीं रैंक हासिल की थी जो तो वहीं उत्तर प्रदेश के टेनिस खिलाड़ियों में नंबर 1 रैंक प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ ही शगुन उत्तर प्रदेश की तरफ से देश में शीर्ष 5 खिलाड़ियों की जगह बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। कोलकाता में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2022 तक आयोजित ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग सुपर सीरीज में शगुन ने अंडर 18 डबल में अपनी जोड़ीदार महाराष्ट्र की आकृति के साथ मिलकर खिताब जीता है। इसके बाद अगला है श्रेयस हरीश। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश बेंगलोर निवासी को सम्मानित किया है। मोटर बाइक रेसर श्रेयस विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने हाल ही में फिम मिनी GP वर्ल्ड सीरीज़ के लिए क्वालिफाई किया और श्रेयस भारत के पहले मिनी GP चैम्पियन भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम के वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। इन्होंने फरवरी 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला है खुर्शीद अहमद। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने विज्ञान भवन पर नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। वे इस वर्ष देश भर में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 40 शिक्षकों में से उत्तर प्रदेश में एकमात्र शिक्षक हैं। अगला है राजू श्रीवास्तव। 21 सितंबर 2022 को हास्य अभिनेता और राजनीतिज्ञ राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में अस्पताल में 58 साल की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। वर्ष 2014 में वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद अगला है गोविंद साहनी। असमान जार्डन में 30 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक संपन्न मुक्केबाजी की एशियन चैंपियनशिप में गोरखपुर के गोविंद साहनी ने 48 किलोग्राम वर्ग का कांस्य पदक जीता है। अलक पांडे। इंटरनेशनल ह्यूरन रिच लिस्ट में प्रयागराज के अलक पांडे फिजिक्स वाला को पहली बार स्थान मिला है। हाल ही में उनका स्टार्टअप 8,000 करोड़ रुपए का यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हुआ है।
अगला है रानी रामपाल। हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम यह सम्मान पाने वाली पहली महिला भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेल की पहली महिला बनी है खिलाड़ी बनी है। MCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अनु रानी। 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की महिला भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। अनु रानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंक कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। रूपल चौधरी। 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं में 400 मीटर दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 51.85 सेकंड में कांस्य पदक जीता है। इनके साथ ही 17 वर्षीय रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इससे पहले 2 अगस्त को रूपल ने 4x400 मीटर रिले रजत पदक जीता था। अजय कुमार मिश्र। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्र को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है जिसके तहत उन्हें न सिर्फ सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करना होता है बल्कि उन्हें CRPC अवमानना कानून का भी निर्वहन करना होता है। असीम अरुण। 1 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार प्रदान किया है। अगला है आपका पद्म पुरस्कार 2023। 25 जनवरी 2023 को घोषित पद्म अवार्ड की सूची में उत्तर प्रदेश में 1 पद्म विभूषण और 7 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण मिला है आपके मुलायम सिंह यादव जी नागरिक मामले में, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। अगला है पद्मश्री राधा चरण गुप्ता विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन ऋत्विक सानियाल कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू चिकित्सा के क्षेत्र में, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा खेल की उपलब्धियों के लिए प्रदेश की प्रतिभाओं को लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला कानपुर हैंडबॉल, नेहा कश्यप मेरठ बुशु। 2020 के लिए वेटरन वर्ग तरुणा शर्मा मेरठ जूडो। सामान्य वर्ग 2021-22 के लिए मनीषा भाटी गौतम बुद्ध नगर बुशु। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 में सामान्य वर्ग के लिए दिया गया था मोहित यादव लखनऊ को, वेटरन वर्ग राहुल सिंह बनारस हॉकी, जनार्दन सिंह गाजीपुर कुश्ती। 2021-22 के लिए वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ गोरखपुर हॉकी, राधेश्याम सिंह आजमगढ़ एथलेटिक्स और दिव्यांगजन में सुहास LY पैरा बैडमिंटन लखनऊ, विवेक चिकारा मेरठ तीरंदाज और दीपेंद्र सिंह संभल शूटिंग। अगला है उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर द्वीप। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों के नामकरण किए गए हैं। ये सूची उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं में शामिल हैं। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेता कौन हैं? वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर भारत पाकिस्तान युद्ध में मरणोपरांत, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे सीतापुर कारगिल युद्ध 1999 मरणोपरांत, जदुनाथ सिंह शाहजहाँपुर पाकिस्तान से युद्ध मरणोपरांत, मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव बुलंदशहर कारगिल युद्ध 1999। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान।
22 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के यश भारती सम्मान की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा करेगी। इस योजना के तहत 4 विभूतियों को क्रमशः 11-11 लाख रुपए की राशि को सम्मानित किया जाएगा। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार को 2 साल पहले ही बंद कर चुकी है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना हेतु जारी शासन आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के ऐसे ख्याति लब्ध महानुभावों जिन्होंने विभिन्न विधाओं और कार्यक्षेत्रों जैसे कला, संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ग्राम्य विकास आदि में व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित किए हैं। इसके अलावा नए उत्कृष्ट आयामों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया गया उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2021 पुरस्कार। 12 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के सम्मान और पुरस्कार की घोषणा की गई। संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। भारत भारती सम्मान के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि 8 लाख रुपये है। सम्मान सूची में लखनऊ के डॉक्टर ओपी मिश्रा, हृदय नारायण दीक्षित और समेत 18 साहित्यकारों के नाम शामिल हैं। संस्थान की ओर से 5 लाख रुपए की राशि वाले सम्मान की श्रेणी में लोहिया साहित्य सम्मान देहरादून उत्तराखंड के बुद्धिनाथ मिश्र को, गुरुग्राम हरियाणा से डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को हिंदी गौरव सम्मान, नंदुरबार महाराष्ट्र के डॉक्टर विश्वास किसान पाटिल को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राम शरण गौड़ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, लखनऊ के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को अवंती बाई साहित्य सम्मान, लखनऊ के हृदय नारायण दीक्षित को और अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान के लिए चुना गया है। इसके बाद अगला है संस्थान की ओर से साहित्य भूषण सम्मान के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। सम्मान के लिए निम्नलिखित साहित्यकारों का चयन किया गया है जिनमें हितेश कुमार शर्मा बिजनौर, रघुवीर सिंह अरविंद अलीगढ़, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव कबीर लखनऊ, किशन स्वरूप मेरठ, डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल क्षितिकंठ लखनऊ, डॉक्टर नताशा अरोड़ा नोएडा, जयप्रकाश शर्मा जनकवि प्रकाश प्रयागराज, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा लखनऊ, दयानिधि कृष्ण बनारस, डॉक्टर सभापति मिश्र प्रयागराज, डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल झांसी, शिवानंद सिंह सहयोगी मेरठ, डॉक्टर नरेश मिश्र रोहतक, डॉक्टर रूप सिंह चंदेल धारू हेड़ा हरियाणा, डॉक्टर सुशील सरित आगरा, शची मिश्र पुणे महाराष्ट्र, विजय शंकर मिश्र भास्कर सुल्तानपुर, गिरीश पंकज रायपुर छत्तीसगढ़, शिव दयाल पटना बिहार, डॉक्टर नीजा माधव बनारस। 2.5 लाख रुपए की सम्मान राशि वाले पुरस्कार लोक भूषण डॉक्टर महेंद्र भनावत उदयपुर राजस्थान, कला भूषण डॉक्टर हृदय गुप्त कानपुर, विद्याभूषण विजय चितौरी प्रयागराज। अगला है उत्तर प्रदेश पत्रकारिता भूषण बलवीर पुंज नोएडा है। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण नलिनी मलबार पेरिस फ्रांस से, हिंदी विदेश प्रसार कल्पना लालजी मॉरिशस, बाल साहित्य भारती सम्मान डॉक्टर फकीर चंद शुक्ला, डॉक्टर दिनेश पाठक शशि मथुरा उत्तर प्रदेश, मधु लिमे राहित्य पुरस्कार डॉक्टर विक्रम सिंह आगरा, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान अश्विनी कुमार दुबे इंदौर मध्य प्रदेश, विधि भूषण सम्मान सुधा अवस्थी प्रयागराज, हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान लखनऊ के राहुल द्विवेदी को दिया गया है। इसके बाद अगला है देखिए इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लोक निर्मला सम्मान 2022 30 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश संगीत अकेडमी नाटक अकेडमी में सोन चिड़ैया संस्थान की ओर से आयोजित
आयोजित 19वीं शाम में शारदा सिन्हा को सम्मान के साथ 1,00,000 रुपये भी प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि लोक निर्मला सम्मान की शुरुआत सोनचिरैया संस्था की सचिव मालिनी अवस्थी ने अपनी मां निर्मला अवस्थी की स्मृति में 2020 में की थी। शारदा सिन्हा भारतीय मैथिली लोक गायिका हैं, जिन्हें साल 2018 में पद्म भूषण एवं 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरती राणा उत्तर प्रदेश के खीरी की एक हथकरघा बुनकर और शिक्षिका हैं। इन्होंने 800 से अधिक महिलाओं को शिल्प का प्रशिक्षण दिया है और 150 महिला स्वयं सहायता समूह की स्थापना की है। हिंदी लेखिका नीरजा माधव को हिंदी साहित्य के माध्यम से हाशिए के लोगों के लिए उनके काम के सम्मान में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने हिजड़ों और शरणार्थियों के लिए विश्व शांति अधिकारों और आरक्षण को बढ़ावा दिया है। इसके बाद नीतियों पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। मार्च 2023 में मंत्रिपरिषद में नए उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को स्वीकृत प्रदान की है। यह नीति प्रदेश को स्पोर्ट्स प्रमोशन और डेवलपमेंट में एक लीडर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस नीति से जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक प्रदेश सरकार के खेल विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। प्रतिभा की पहचान और विकास स्पोर्ट इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों और ग्रॉस रूट स्तर के विकास के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी, उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की व्यवस्था है। प्रत्येक जनपद में उभरती प्रतिभाओं की खोज एवं विकास हेतु एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी खेल संघों के प्रतिनिधि तथा संबंधित जनपद के क्रीड़ा अधिकारी और उप क्रीड़ा अधिकारी रहेंगे, जो प्रत्येक वर्ष हर जिले में 5-5 खिलाड़ी चुनेंगे। खेल विभाग खेलों को 3 विभिन्न श्रेणियों में उच्च प्राथमिकता वाले खेल, प्राथमिक वाले खेल और सामान्य खेल को विभाजित किया जाएगा। इसके तहत खेल नर्सरी, उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, उच्च प्रदर्शन केंद्र और जैसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजना के सभी एथलीट, कोच और खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को 5,00,000 रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। इन सभी कर्मियों को पर्याप्त कवरेज के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी द्वारा भी कवर किया जाएगा। सभी खिलाड़ी जिन्होंने वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर और उससे ऊपर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, वे खिलाड़ियों के लिए राज्य पेंशन योजना में हिस्सेदारी होगी। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में विशेष रूप से नर्सरी स्तर की खेल अकेडमी शुरू की जाएगी। पैरा स्पोर्ट्स पर फोकस के लिए स्पोर्ट्स और पैरा एथलीट्स को विभाग की हर योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाएगी। खेल विभाग खेल आधारित स्टार्टअप के लिए इंक्यूलेशन मेल सेल स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी गई है, जिसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। यह नीति 5 साल तक लागू होगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा निकास एजेंसी को नोडल एजेंसी नामित किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकारी उपक्रमों को 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ग की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व भूमि दी जाएगी। निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। राज्य सरकार के अगले 5 साल में सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को तय किया गया है। सोलर पार्क से
14,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप आवासीय में 4,500 मेगावाट सोलर रूफटॉप आवासीय से 1,500 मेगावाट और पीएम कुसुम योजना से 2,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निजी आवासों पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सोलर सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा राज्य सरकार की ओर से 15,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान के अनुमान्यता को स्वीकार किया है। इसके बाद अगला है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भवन पर नेट मीटरिंग के साथ सोलर रूफटॉप अनुमन्य किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिए खरीदी या लीज पर ली जाने वाली जमीन के स्टैंप शुल्क में 100% छूट देने के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 साल के लिए छूट प्रदान करने की अनुमति दी है। सौर प्लांट का पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने से छूट प्रदान करने के लिए ग्रिड संयोजित सोलर पीवी परियोजनाओं को प्रदूषण नियंत्रण नियम के तहत स्थापना और संचालन की सहमति व NOC प्राप्त करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नीति के अनुसार 5 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता के स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित सोलर पार्कों और 2.5 करोड़ रुपए की प्रति मेगावाट की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 16 नगर निगमों और नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत संबंधित शहर की पारंपरिक ऊर्जा को अनुमानित कुल मांग की न्यूनतम 10% बिजली शहर क्षेत्र में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की पूरी की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत 2011 की नगर निगम क्षेत्र की जनगणना के अनुसार 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों नोएडा सिटी की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सौर ऊर्जा संयंत्र के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जनशक्ति का सृजन किया जाएगा, जिसके लिए 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्र का अनुरक्षण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें सूर्य मित्र का नाम दिया जाएगा। इस तरह सूर्य मित्रों के लिए रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। यह नीति प्रदेश में नवीन एवं उन्नत औद्योगिक परिदृश्य के सृजन हेतु औद्योगिक विकास एवं समस्त क्षेत्रों में सहित वैल्यू चेन एवं सप्लाई चेन के विकास को प्रोत्साहित करेगी। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य राज्य में प्रगतिशील अभिनव एवं प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के साथ ही राज्य में पूंजी निवेश में वृद्धि, औद्योगिक विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना की सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण तथा भूमि बैंक का भी सृजन करना है। इसके बाद अगला है आपका, प्रस्तावित नीति के अंतर्गत निवेशक को योजना के प्रारंभ में ही निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी का लाभ उठाने हेतु उपलब्ध 3 विकल्पों पूंजीगत सब्सिडी, शुद्ध राज्य माल एवं सेवा प्रतिपूर्ति, भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनों में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर उपलब्ध होगा। नीति के अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेस एवं फ्रेट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक एवं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा निजी कंपनियों या सार्वजनिक उपक्रमों या सरकारी संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह नीति राज्य में उद्योगों के गुणवत्तापरक निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु विस्तृत कार्ययोजना परिकल्पित करेगी। इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 की है। ये मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन और स्टेक होल्डर के आय में वृद्धि की संभावनाओं की दृष्टिगत उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2022 को क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया है।
यह नीति अधिसूचित करने की तिथि से आगामी 5 साल के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी। नीति के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग होगा और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगी। नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और राज्य और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्करण के पदार्थों का निर्यात को प्रोत्साहन देना है। नीति के तहत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना संबंध में संयंत्र मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य के लिए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक दिया जाना है। यह नीति विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहनों की व्यवस्था है। अगला है उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। 22 दिसंबर 2022 को मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को स्वीकृति दी है। यह नीति अगले 5 सालों के लिए प्रभावी होगी। इस नीति की अधिसूचना निर्गत होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 निश्चित हो जाएगी। 2018 की नीति के तहत प्रोत्साहनों के संबंध में अनुमोदित पैकेज वाली परियोजनाएं लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 के अंतर्गत अधिकृत होंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई प्रौद्योगिकियों के विकास को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबारी माहौल सृजित करने हेतु प्रदेश में लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत यह नीति बनाई गई है। यह नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क्स के तहत के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन निर्दिष्ट लॉजिस्टिक परिक्षेत्र के विकास के साथ ही प्रोत्साहन योजना का भी प्रावधान किया गया है। अगला है नई जैव ऊर्जा नीति। 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु एक जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई नीति पूर्व की नीतियों की कमियों को दूर कर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई है। कृषि अपशिष्ट, कृषि उपज बाजार अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिल अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट बहुतायत में उपलब्ध हैं। अन्य जैविक अपशिष्ट जैव ईंधन उपज कराने में उपयोगी किए जाएंगे। अगला है जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 के अंतर्गत जैव ऊर्जा उद्यम को भूमि क्रय पर स्टैंप शुल्क 100% छूट तथा उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 10 साल तक CGST की 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। नई नीति के तहत की अवधि 5 साल की होगी। इस अवधि के दौरान राज्य में स्थापित होने वाली ऊर्जा परियोजना संपीड़ित बायोगैस, बायोकोयला, बायोएथेनॉल, बायोडीजल को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपये प्रति टन से अधिकतम 20 करोड़ रुपये की दर से सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा बायो कोयला उत्पादन पर यह सब्सिडी 75,000 रुपये प्रति टन और अधिकतम 20 करोड़ रुपए तथा बायोडीजल के उत्पादन पर 3 लाख रुपए प्रति किलोलीटर होगी। उत्तर प्रदेश के MSME नीति 2022 लागू। 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया। 29 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग ने MSME नीति 2022 को लागू करने संबंधी शासन आदेश को जारी किया। यह नीति 2027 तक प्रभावी होगी। यह जो नीति है 2027 तक प्रभावी होगी। प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऋण यानी कि बिना गिरवी के ऋण पर बैंकों की ओर से ली जाने वाली वन टाइम गारंटी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। नए सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50% अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति इकाई 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा। उद्यमियों की पूंजीगत निवेश पर 10-25% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण के ब्याज पर 60% की सब्सिडी दी जाएगी। बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्रों में क्रमशः 25%, 20% और 15% सब्सिडी मिलेगी। मध्यांचल और पश्चिमांचल में क्रमशः 20%, 15% और 10% सब्सिडी मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त
निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगला है आपका निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपए की प्रति इकाई होगी। तंबाकू उत्पादन, गुटखा, पान मसाला, एल्कोहल, बातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बनेटेड उत्पाद, पटाखों के विनिर्माण, प्लास्टिक कैरीबैग 40 माइक्रोकॉन से कम, राज्य सरकार की ओर से समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में वर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग और समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में श्रेणी सूची में श्रेणीकृत उत्पाद के निवेश के प्रस्तावों पर यह नीति लागू नहीं होगी। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने उद्योग संघ एसोचैम, फिक्की, IIA और PHDCCI के सहयोग से 23 मार्च 2023 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश ठाकुर और सहकारिता मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार से हैं JPS राठौर ने किया है। इसके अलावा भारत सरकार और भारतीय उद्योग जगत द्वारा 1997 में स्थापित भारतीय गुणवत्ता परिषद भारत में शीर्ष संगठन है जो तीसरे पक्ष की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिए जिम्मेदार है। सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार करती है और सरकार और अन्य हितधारकों के गुणवत्ता से संबंधित मामले में सलाह देती है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 समिट से पहले 100 दिन का उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना और उनमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता, सौंदर्यकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई है। इस वैश्विक आयोजन में सरकार ब्रांड यूपी पेश करेगी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ ढाबा अभियान, होटल, रेस्टोरों, ढाबों आदि से निकलने वाले कचरे के उचित निपटान पर केंद्रित है। इसे मार्च 2023 तक चलाया गया स्वच्छ विरासत अभियान 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यह अभियान सभी पर्यटक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सफाई पर केंद्रित है। अगला है आपका चर्चा में नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 11 फरवरी 2023 को घाटमपुर कानपुर में स्थित नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL का दौरा किया। NUPPL एक कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत संयंत्र है जो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम है और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की करंट को हमने डिस्कस किया है जो आपके 14 मई को होने वाली PT की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, करंट को पर स्पेशली फोकस रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, करंट का वेटेज अच्छा खासा होता है PT के एग्ज़ाम में। आपको आने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक है।